राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी और मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेले राज्यसभा ना सांसद ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ना कॉर्पोरेट अफेयर्स ना डायरेक्टर परिमल भाई नथवाणी द्वारा त्रण भाषाओं में लखायेला पुस्तक एकमेव धीरुभाई अंबाणी नू लोकार्पण कर्यु हतु। त्यारे आगळ वात करीए तो राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ए कह्यु हतु के भारतनी भौतिक उन्नति में महत्वनु योगदान आपनार महानायक धीरुभाई अंबाणीनी पथदर्शक बातों ने समाविष्ट करतु पुस्तक युवा पेढ़ी माटे प्रेरणा नो स्रोत बनशे। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेले प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी नी काव्य पंक्तिओ प्रारब्ध ने अही गाठे कोण हूँ पड़कार जिल्लारो मानस छू नो उल्लेख करीने कह्युं हतुं के आ पुस्तक पुरुषार्थ सामे प्रारब्ध ने पण नमवू पड़े तेनी प्रतीति करावे छे। गांधीनगर मां राजभवन मां आयोजित एक समारोह मां परिमल भाई नथवाणी द्वारा गुजराती अने हिंदी भाषा मां लिखित पुस्तक एकमेव धीरुभाई अंबाणी अने अंग्रेजी मां वन एंड ओनली धीरुभाई अंबाणी नुं लोकार्पण करायुं हतुं। नव भारत पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित आ पुस्तकनुं विमोचन करता राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ए कह्युं हतुं के जेमने पोताना सेवा कार्यों थी कीर्ति सम्मान अने प्रतिष्ठा मेळव्या छे एवा श्री धीरुभाई अंबाणी आजे अवसानना 21 वर्ष पछी पण मानस पटल पर छवायेला छे। धीरुभाई अंबाणी महापुरुषोनी श्रृंखलानुं एवुं नाम छे जेमने आ देशने आर्थिक उन्नति अपावी आवनारी पेढ़ीओ माटे राजकारकोरीनो विपुल तक्को उभी करीने देश ने आत्मनिर्भरतानी दिशा तरफ दोरी गया। त्यारे मानवतानी भलाई माटे लोक कल्याण माटे राष्ट्रीय उत्थान माटे अने दीनहीननी सहायता माटे आजीवन प्रतिशील रहेला धीरुभाई अंबाणीनुं जीवन सार्थक छे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइट 24 न्यूज।